गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे भारत के संविधान का मूल्यांकन। कल हमने भारत के संविधान की विशेषताओं का अध्ययन किया था और जिसमें हमने पाया था कि भारत का संविधान एक अनूठा संविधान है जिसकी अपनी कुछ अनूठी विशेषताएं हैं और इन अनूठी विशेषताओं के कारण भारत का संविधान अपने आप में एक विशिष्ट संविधान है। भारतीय संविधान की विभिन्न विशेषज्ञों के द्वारा भिन्न भिन्न दृष्टिकोणों से इसका महत्व और इसकी कमियों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। कुछ ने इसकी विभिन्न कमियों की ओर ध्यान आकर्षित किया, तो कुछ विद्वानों का मानना है कि यह एक संतुलित, समन्वित तथा भारतीयता पर आधारित संविधान है। भारतीय संविधान की एक जो प्रमुख आलोचना है उसमें इसे उधार का थैला कहा जाता है और ये माना गया है कि इसमें मौलिकता का सर्वथा अभाव है। विभिन्न देशों के संविधानों से कुछ कुछ लेकर एक भानुमति के पिटारे के रूप में इस संविधान का निर्माण किया गया है। आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक तत्व लिए। संघीय व्यवस्था का काफी स्वरूप हमने कनाडा के द्वारा लिया। राष्ट्रपति के संकट काल की जो शक्तियां हैं वे हमने जर्मनी के संविधान से ली और ब्रिटिश शासन प्रणाली से हमने संसदात्मक शासन प्रणाली को ग्रहण किया। अमरीकी संविधान से हमने संघात्मक व्यवस्था और मौलिक अधिकार लिए और संविधान का अधिकांश भाग 1935 के अधिनियम के रूप में हमें दिखाई देता है। तो आलोचकों का कहना है कि यह उधार का थैला है। कुछ विद्वानों का कहना है कि भारतीय संविधान में भारतीयता का अभाव है और भारतीय जीवन दर्शन तथा राजनीतिक दर्शन का संविधान में अभाव दिखाई देता है। हनुमंतैया ने भारतीय संविधान की आलोचना करते हुए कहा है कि हम वीणा के सितार और झनकारों की अपेक्षा करते थे, परंतु हमें ब्रिटिश लैंड की धुनें प्राप्त हुई हैं। तो इस प्रकार कुछ आलोचक भारतीय संविधान में भारतीयता का अभाव पाते हैं। कुछ विद्वानों का कहना है कि भारतीय संविधान का निर्माण करने में चूंकि वकीलों की संख्या सर्वाधिक थी, अतः भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग बन गया है। इसकी शब्दावली काफ़ी हद तक कानूनी है जो संविधान को जटिल बनाती है, साथ ही साथ अपनी तरह की व्याख्या करने का अवसर प्रदान करती है, अतः यह भी इसकी एक आलोचना का कारण बना। कुछ आलोचकों का मानना है कि जो मौलिक अधिकार प्रदान किए गए उन पर इतना अधिक प्रतिबंध लगा दिया गया कि उन मौलिक अधिकारों का कोई विशेष महत्व ही नहीं रह गया। इसके साथ ही उनका यह भी मानना है कि हमें कार्य करने का अधिकार तो प्रदान ही नहीं किया गया है, अतः अत्यधिक प्रतिबंधों के कारण भी भारतीय संविधान आलोचना का कारण बना है। कुछ आलोचक नीति निर्देशक तत्वों के वाद योग्य नहीं होने के कारण भी भारतीय संविधान की आलोचना करते हैं। कुछ विद्वान भारतीय संघीय व्यवस्था में जो एकात्मक गुण है उसके कारण भी इसकी आलोचना करते हैं और उनका मानना है कि भारतीय संविधान में केंद्र को अत्यधिक शक्तियां प्रदान की गई है जिससे संघ की इकाइयां यानी राज्यों को पर्याप्त स्वायत्तता प्राप्त नहीं हो सकी है, अतः यह भी आलोचना का एक कारण बना है। भारतीय संविधान का अत्यधिक विस्तृत होना भी इसकी आलोचना का एक कारण बना है और लोगों का कहना है कि अत्यधिक विस्तृत होने के कारण इसमें स्पष्टता का अभाव हो गया है और एक सामान्य व्यक्ति के लिए इसे समझ पाना अत्यधिक मुश्किल कार्य है। तो ये भारतीय संविधान की आलोचना के प्रमुख कारण माने गए हैं। इसके साथ ही साथ में कुछ आलोचकों का कहना है कि गांधी जी या गांधीवादी विचारधारा को पर्याप्त स्थान नहीं दिया गया, लेकिन इस सबके साथ ही साथ हम देखते हैं कि भारतीय संविधान का अपना महत्व भी है, इसका अनूठापन, इसकी मौलिकता और इसके साथ ही साथ भारतीय परिस्थितियों के अनुसार इसमें जो परिवर्तन किया गया और यह निरंतर एक विकसित होने वाला संविधान है जो कि इसके महत्व को स्पष्ट करता है। इसका महत्व यदि हम देखें तो सबसे पहला महत्व है
यह समन्वय और समायोजन पर आधारित या उस पर उसके आधार पर निर्मित संविधान है। हमने कठोरता एवं लचीलेपन में समन्वय किया, हमने मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व में समन्वय किया, हमने संघात्मक एवं एकात्मक व्यवस्था के अंदर समन्वय किया, हमने संसदात्मक शासन प्रणाली या संसदीय सर्वोच्चता के साथ ही साथ न्यायिक स्वतंत्रता और सर्वोच्चता में भी समन्वय किया। तो भारतीय संविधान का जो सबसे महत्व है वह इसके समन्वय एवं समायोजन के गुण में है। इसके साथ ही साथ ये सही है कि ये पूरी भारतीय परिस्थितियों का प्रतिनिधित्व नहीं करता, परंतु भारतीय परिस्थितियों के अनुकूल हमने इसे बनाने का प्रयास किया। विश्व बंधुत्व या जो नीति निर्देशक तत्व हैं वे हमारी भारतीय परिस्थितियों के प्रतीक के रूप में हमें दिखाई देते हैं। इसके साथ ही साथ में भारतीय संविधान के अंदर विभिन्न देशों के गुणों का समावेश किया गया है। हमने विभिन्न देशों के संविधानों के केवल गुणों को लिया है और उनका भी भारतीयकरण किया गया है, जो कि हमारे भारतीय संविधान के महत्व को स्पष्ट करता है। इसके साथ ही साथ हमने मध्यम मार्ग का प्रयोग किया है। हमने सभी प्रकार के अतियों से बचने की कोशिश की है, चाहे वह अति संघात्मक व्यवस्था की हो, वह अति कठोरता की हो, या वह अति संसदात्मक संसदीय सर्वोच्चता की हो। हमने सभी प्रकार की अतियों में समन्वय करने का प्रयास किया। हमने मौलिक अधिकारों के साथ ही साथ चाहे बाद में संशोधन करके कर्तव्यों का भी इसमें समावेश करने का प्रयास किया। भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह भी है कि हमने समरसता के सिद्धांत को न केवल मानने बल्कि उसे लागू करने का भी प्रयास किया, और यह भारतीय संविधान की एक मौलिकता या भारतीय परिस्थितियों को निरंतर विकसित करने के प्रयास को स्पष्ट करती है। भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता उच्च मूल्यों की रक्षा करना है, जो विश्व बंधुत्व है या जो हमारे समाज में पिछड़े हुए दलित लोग हैं, हमने उनका भी निरंतर विकास करने का, उन्हें मुख्य धारा में शामिल करने का प्रयास किया है। भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता इसकी विकासशीलता है। यह अन्य देशों के संविधान की तरह एक जड़ संविधान नहीं है, एक स्थिर संविधान नहीं है, यह निरंतर विकास की ओर अग्रसर होने वाला संविधान है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में भी जो परिवर्तन या संशोधन किया गया, और संसदात्मक शासन प्रणाली और न्यायिक सर्वोच्चता के सिद्धांत में जो समन्वय किया गया, वह इसके विकासशील गुणों को स्पष्ट रूप से प्रकट करता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि कोई भी संविधान पूर्ण नहीं हो सकता, हर संविधान की कुछ अपनी अच्छाइयाँ और कुछ कमियाँ होती हैं। भारतीय संविधान भी उन्हीं में से एक है, और आज भी यदि हम विश्व के अन्य सब देशों के संविधानों से तुलना करें तो हमारा संविधान जन कल्याण पर आधारित एक ऐसा संविधान है जिसका उद्देश्य जनता के हितों की रक्षा करना है और अपने अधिकांश उद्देश्यों को पूरा करने में यह काफ़ी हद तक सफल भी रहा है, तथा आशा की जाती है कि आने वाले समय में यह अपने बाकी के लक्ष्यों को पूरा करने में सफल हो सकेगा। किसी भी देश के संविधान की अच्छाई और बुराई केवल संविधान में नहीं बल्कि उसे लागू करने वाले लोगों पर भी निर्भर करती है। अतः भारत का संविधान सही हाथों में आकर एक अच्छे संविधान के रूप में भारतीय जनता के हितों को पूरे करने में सफल हो सकेगा। धन्यवाद।